सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, मेरे चैनल पे फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। मैं इस बार एक तगड़ा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ जो है प्लास्टिक से एक्सपेरिमेंट। आजकल तो बहुत सारे दूषण हो रहे हैं, पॉल्यूशन प्लास्टिक से एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो देखते हैं कितना पॉल्यूशन। ये हमारे पास है वाइट प्लास्टिक और ये हमारे पास ब्लैक प्लास्टिक, तो हम दोनों से देखेंगे कितना पॉल्यूशन होता है। वाइट वाला प्लास्टिक है 100 का, मतलब 100 है टोटल, और इसमें है ब्लैक का 100 ग्राम और इसमें 100 प्लास्टिक्स है। तो देखते हैं कौन सा पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं और ये करते हैं कि ये, तो हम देखेंगे प्लास्टिक से कितना पोल्यूशन होता है और इसका जलाने के बाद कितना रिमेनिंग्स होता है और उस रिमेनिंग को हम देखेंगे तो हम सबसे कितना पोल्यूशन होगा। तो ऐसे तो जला नहीं पाएंगे, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, तो उसके बाद जलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। चलो आते हैं। सो दोस्तों हमारे पास एक मचीस है और ये ब्लैक प्लास्टिक और ये वाइट प्लास्टिक है, तो हम ये इसको दोनों को जलाएंगे और देखेंगे कि कितना पोल्यूशन होता है और इसके इफेक्ट एनवायरनमेंट में कैसा है। तो हम इसको चेक हम आग जलाते हैं और इसमें हम पानी रखे हैं ताकि अगर ज़्यादा हो जाए तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम इसमें पहले ब्लैक में जला देते हैं फिर इसमें वाइट में जलाएंगे। तो चलो करते हैं। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं कि व्हाइट वाला जल्दी जल गया और ब्लैक वाला थोड़ा टाइम लग रहा है। जो व्हाइट वाला है इसमें कम रिमेनिंग्स कम है, बहुत ही कम रिमेनिंग्स है, और ये ब्लैक वाला बहुत ही ज़्यादा रिमेनिंग्स है। अब देख ही पा रहे हैं यह व्हाइट वाला बहुत जल्दी जल गया। दिल जले, आग जले, दिल जल गया। अरे मैया, ये हाथ भी जल गया। अरे ओ,
तो अभी ये जलना बंद हुआ, इसका धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, पर ये रिमेनिंग है, इसको हम पानी से धोएंगे, फिर देखेंगे कि कितना रिमेनिंग होता है और ये पोल्यूशन इफेक्ट कितना होगा। और ये ब्लैकिश वाला अभी तक जल रहा है, तो हम अगर इसमें दोनों को पोल्यूशन को कंट्रोल देखेंगे कि हमारे ब्लैक वाला ज़्यादा तक जलता है ज़्यादा देर तक, और वाइट वाला थोड़ा कम तक जल रहा है। उसके बाद इसको हम वेट करेंगे कि देखेंगे कितना तक वेट होता है। दोस्तों अभी इसको हम उठा रहे हैं धीरे से, फिर इसको हम पानी में डालेंगे, देखेंगे इसको वॉश करेंगे, फिर वेट करेंगे इसका। सो दोस्तों ये कंक्लूजन निकल जाता है कि ये जो लेयर्स बने हैं प्लास्टिक जलने के बाद, अगर ये मिट्टी में रहे तो ये इसमें जो वाटर आएगा ऊपर से, ये वाटर परकुलेशन नहीं हो सकता है, यहाँ से पानी अंदर नीचे नहीं जा सकता। तो अगर ये सॉइल में जाएगा, सॉइल में बहुत दिन से जल पड़े रहेगा, तो ये सॉइल पोल्यूशन भी होगा। और ऐसे हम अगर खेत में होगा ये, अगर एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। कोई कोई अगर पेड़ का अगर जड़े भी यहाँ तक अंदर में नहीं जा सकते, तो इसमें ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं कि इन्वायरमेंट की। और ये हम इसीलिए प्लास्टिक बंद करना चाहिए कि इसमें प्लास्टिक में बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। आप लोग बहुत समझ ही पा रहे होंगे क्या, हम ये एक्सपेरिमेंट के दर से हम आपको समझना, हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये प्लास्टिक यूज़ बंद कीजिए, यूज़ समथिंग दैट कैन डिग्रेड ईजिली, सो वो यूज़ करना चाहिए आपको प्लास्टिक के बदले में। तो ये है प्लास्टिक है, और इसको हम पानी में धो रहे हैं ताकि इसमें जो सॉइल है वो निकल जाए। और इसको भी हम उठाएंगे, फिर इसको वेट करके देखेंगे। याना तो है ना दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे और क्या बोले।